क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब भी मच्छर हमें जिस जगह काटता है उसके बाद सडनली हम उस जगह पर क्यों खुजाने लगते हैं, और खुजाने के बाद सडनली वहां पर एक छोटा सा दाना आ जाता है, फुंसी टाइप एक दाना आ जाता है, वो क्यों आता होगा? सो गाइस, होता यूं है कि जब भी मच्छर हमें काटता है तो वो काटते समय एक केमिकल हमारे स्किन के ऊपर छोड़ देता है जिसका नाम एंटी कोगुलेंट होता है, और जैसे ही ये केमिकल हमारे स्किन से मिलता है वैसे ही हमें खुजली होनी शुरू हो जाती है। और जब भी मच्छर अपना डंक हमारे स्किन पे घुसाता है तो सडनली उसके बाद एक छोटा सा दाना आ जाता है, फुंसी टाइप दाना आ जाता है, तो वो क्यों आता होगा? इसका भी एक कारण होता है, हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम होता है हमारे शरीर का, वो बना ही इसलिए होता है कि हमारे शरीर में बिन बताए पार्टिकल्स, केमिकल्स या फिर कुछ भी वायरस को मार सके। तो ऐसा ही होता है, जब भी हमें मच्छर काटता है तो वो केमिकल्स हमारे अंदर जाता है जिससे हमें बीमारियां होने का डर होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे मारने के लिए वहाँ पर जाता है, और इसीलिए वहाँ पर हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से छोटा सा दाना आ जाता है। अगर मच्छर काटने के बाद आपको ऐसा फुंसी टाइप दाना आए तो इसका मतलब अच्छी बात है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है, और अगर मच्छर काटने के बाद आपको ऐसा दाना नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम बरोबर काम नहीं कर रहा। एंड गाइज, दैट्स द इन्फो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलूंगा ऐसे एक वीडियो के साथ। सो टिल देन, बाय बाय।